हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी सभी। तो जितने भी स्टूडेंट जो है सीयूटी एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हो या फिर हमारा पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हो, उन सभी के मन में ये डाउट है कि सर हमारा जो है वो सीयूटी का एग्जामिनेशन कैसा होगा, ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, क्या सबको एडमिशन मिलेगा। बहुत बड़ा डाउट है, ये डाउट जो है वो लाजमी भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम ही तो हमारा सीयूटी का एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम कैसा होगा और साथ में क्या आप सभी को एडमिशन मिल पाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी को पता ही है कि हमारा फर्स्ट टाइम सीयूटी का एग्जामिनेशन हो रहा है। दूसरी बात आप लोगों को पता ही है कि ये हमारा एग्जाम बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। लगभग लगभग 14 से 15 लाख बच्चे अपियर हो रहे होंगे इस एग्जाम में। नेक्स्ट बात ये कि एनटीएस एग्जाम को करवा रही है, एनटीएस से पहले जो है वो जेई एग्जाम करवाती है जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है, नीट एग्जाम करवाती है वो भी बहुत बड़ा एग्जाम होता है, उसमें भी 16-17 लाख बच्चे अपियर होते हैं, ठीक है। तो जो है हमारा नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, यहां पे जाकर के जो है आप लोगों का पेपर जो है वो बिल्कुल ही जो है वो डिफिकल्ट नहीं बनता है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। और दूसरी बात ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कम अपीयर हो रहे होते हैं तो एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा अपीयर हो रहे होते हैं तो एग्जाम हमारा काफी इजी बनता है क्योंकि वो टॉपर बच्चे को नहीं कंसीडर करते हैं, एवरेज बच्चे को देख के नहीं बनाते पेपर, वो जो है एकदम जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग पेपर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का पेपर जो है वो डिफिकल्ट नहीं आएगा। आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। पेपर आप लोगों का वो इजी टू मॉडरेट साइड में होगा, आप लोग आराम से पेपर कर सकते, बस अभी से जो है अपना स्टडी करते रहना, ठीक है। क्या सबको एडमिशन मिलेगा? तो बच्चों बिल्कुल, ठीक है ना, आप सभी को एडमिशन मिलेगा। आपको पता है ईसा यूनिवर्सिटी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और हर एक यूनिवर्सिटी चाहती है कि भाई हमारे यहां पे बच्चे आए, खाली बैठा करके क्या करेंगे, है ना। उनको तो स्टूडेंट चाहिए चाहिए एडमिशन के लिए ना, उनको भी तो पैसे चाहिए होते हैं, सब चाहिए। तो आप सभी का एडमिशन होगा, बस फर्क यह है कि अगर आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे तो अच्छे कॉलेज में होगा, कम मेहनत करोगे तो उतना अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, ठीक है। तो यह भी समय में आ गया, एग्जाम आपका अभी कह रहे हैं सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होगा, लेकिन ये आप लोग एक्सटेंड होकर के जो है लास्ट वीक ऑफ जुलाई फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जा सकता है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट है सीयूटी को लेकर के कमेंट बॉक्स में पूछना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना क्योंकि अभी से लेकर आपके फर्स्ट जॉब कॉलेज तक के सारे वीडियो यहां पे मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।